और चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, हम कह सकते हैं कि देश में चुनावी सियासत है और चुनावी सियासत के बीच में कांग्रेस पार्टी सभी मर्यादाओं को पार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने पीएम मोदी पर बयान देते हुए उनकी माताजी को भी घसीट लिया। रुपए की गिरती कीमत पर बयान देते हुए राज बब्बर ने कहा कि पहले तो रुपया प्रधानमंत्री की उम्र से नीचे गिरता था और अब तो प्रधानमंत्री की पूजनीय माताजी की उम्र से भी ये रुपया नीचे गिर गया है। तो एक बार फिर से विवादित बयान कहा जा सकता है। राजनीति में किस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है, कांग्रेस ने चुनावी सियासत में पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा और इस बार सिर्फ निशाना पीएम मोदी पर नहीं बल्कि इस बयानबाजी में पीएम मोदी की मां को भी बीच में उन्होंने घसीट लिया। उन्होंने रुपए का जिक्र करते हुए राज बब्बर ने सीधा सीधा निशाना साधा और बयान देते हुए उनकी माताजी के लिए कहा कि रुपए की गिरती कीमत पर बयान वो दे रहे थे। राज बब्बर ने कहा कि पहले तो रुपया प्रधानमंत्री की उम्र से नीचे था लेकिन अब तो प्रधानमंत्री की पूजनीय माताजी की उम्र से भी रुपया नीचे गिर गया है। बताते चले इन दिनों कांग्रेस के नेता पहले भी पीएम पर विवादित बयान देते रहे हैं लेकिन अब राजनीति का एक और स्वरूप आप जरा देख लीजिए। ये चुनाव के समय में सियासी बयानबाजी अपना स्तर किस तरह से खोती चली जाती है ये साफ तौर से हम लगातार देखते रहे हैं। और एक और बयान सामने आया राज बब्बर का जब उन्होंने पीएम मोदी की माताजी पर निशाना साधा। रुपया इतना गिर गया है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री की उम्र बताकर कहते थे कि उनकी उम्र के करीब जा रहा है। आज प्रधानमंत्री महोदय आपने तो इज्जत से दाम नहीं दिया था, हमारे संस्कार हमारी परंपरा ये नहीं कहती, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज का रुपया। तो सुना आपने कांग्रेस नेता राज बब्बर का बयान। अब हमारे साथ में रिएक्शन के लिए बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी हैं। सुधांशु जी, आप ही की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। इस समय चुनावी वक्त है और आरोप प्रत्यारोप सियासी बयानबाजी जमकर होती है लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस की ओर से ये बयान आया, क्या कहेंगे? मुझे इसका बहुत ही हल्के स्तर का बयान है। राज बब्बर बड़े शिष्ट और सौम्य व्यक्ति हैं, उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं करी जा सकती थी। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति जो है उसमें ये स्वाभाविक है लेकिन राजनीति का निम्न स्तर जो है उसको ये पा रहे हैं। मुझे लगता है मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। इस तरह की बातें जो हैं ये मनभेद का द्योतक है जो राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से चुनावी समय में इस तरह की बयानबाजियां होती हैं सुधांशु जी, उसको किस रूप में देखा जाए? अगर हम देखते हैं बीजेपी अगर कांग्रेस की व्यक्तिगत चीजों पर आ जाती है, कांग्रेस बीजेपी की व्यक्तिगत चीजों पर आ जाती है। व्यक्तिगत मुद्दे उठाना और भाषा का संयम दो अलग अलग चीजें हैं। व्यक्तिगत मुद्दे जरूर उठाए जाए लेकिन भाषा का संयम होना चाहिए, भाषा में शालीनता होनी चाहिए। और इसका नुकसान जो होता है पूरी राजनीति को नुकसान होता है जी। लोगों की निगाह में राजनीतिक व्यक्ति अपने दुराचरण से पूरी राजनीति को बदनाम करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उम्मीद उनसे करना कि ये इस तरह की बात करेंगे खैनी बहुत ही अशोभनीय है। सुधांशु जी, जिस तरह से चुनाव के समय में आचार संहिता लागू हो जाती है लेकिन क्या कहते हैं कि जब सियासी माहौल होता है तो शब्दों की आचार संहिता नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए। विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता है लेकिन वो मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? नहीं नहीं, इसमें कभी दो राय ही नहीं हो सकती है कि शब्दों की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए चाहे किसी भी राजनीतिक दल का। इसलिए कांग्रेस से तो मैं खासतौर से निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह के हल्के बयान आपने उस दिन शशि थरूर का सुना जी, राहुल गांधी का सुना, आज ये इनका कर रहे हैं, इनके अलग अलग लोग ऐसे ऐसे अड़गल बयान देते हैं जो कि शर्मनाक है। तो क्या बीजेपी भी कोई एक्शन लेगी? ये एक्शन क्या होगी, जनता एक्शन लेगी? यहाँ तो हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, ऐसी जब भाषा का प्रयोग होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है और उसका जो है उसका प्रतिशोध जनता जो है इनको हरा के लेगी। बिल्कुल, बतौर राजनेता सुधांशु जी हम समझना चाहेंगे क्योंकि लोग भी सुन रहे हैं, जब
प्रतिनिधि अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे क्या कुछ उम्मीद रखी जाए? क्या इस तरह की बयानबाजियों का राजनीति पर कोई फर्क पड़ता है? क्या इससे वोटों पर कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि जैसे चुनाव का वक्त आता है इस तरह की बयानबाजियां बहुत आम हो जाती है सभी राजनीतिक दलों के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। लोगों की निगाह में मूल्यांकन करते समय ऐसे बयानबाजी जो है उनको एक बड़ी जिसको कहते हैं कि बड़ी गंदी सी भावना उत्पन्न होती है, उनको लगता है घृणा सी आती है कि किस तरह के लोग हो गए हैं। तो जिन राजनीतिक व्यक्तियों का या जिन राजनीतिक संगठनों का आचरण इस तरह के दुराचरण से प्रेरित होगा उनको नुकसान होगा ही होगा। जनता देखती है, जनता जब तुलनात्मक तौर से अपनी अपनी पसंद का इजहार करती है तो उसमें ये भी देखती है ना कि किसके आचरण कैसे हैं। जी बिल्कुल सुधांशु जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाता है। सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता, उन्होंने भी रिएक्शन दिया कि इस तरह की बयानबाजियों का जिस तरह से हम स्तर देख रहे हैं वो वाकई में चिंता का विषय है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये हो जाती है कि ये वही जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं और किस तरह की मानसिकता के साथ में एक दूसरे पर ओछी राजनीति की जाती है ये समय समय पर सभी राजनीतिक दलों की ओर से सामने आती है।